Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, dear viewers and learners, YouTubers. अब तक हमने जितना कुछ सीखा है, मज़ीद आगे सीखने की कोशिश करते हैं इसके बाद. तो चलिए शुरू करते हैं. पिछले लेसन में मैंने आपको बताया था कि हम हीडर में बाब का नाम और इसी तरह हेडिंग कैसे लगा सकते हैं ऑटोमेटिकली, कि वो जहाँ जहाँ हम बाब जो है उसका नाम चेंज करते जाएं और उसी पेज पर ऑटोमेटिकली चेंज होता जाए, और इसी तरह हेडिंग भी ऑटोमेटिकली जिस पेज पर हम जो हेडिंग लगाना चाहें वही हेडिंग उसी पेज पर हीडर में शो हो जाए. तो वो हमने सीख लिया. अब कुछ चीज़ें और सीखते हैं. अब ज़रा आइए हम पेज सेटअप, उर्दू के लिए पेज सेटअप हम कैसे करते हैं. तो ये हमारा उर्दू का डॉक्यूमेंट है. मैं यहाँ आता हूँ पेज लेआउट में, और पेज लेआउट में आके मैंने मार्जिन्स पे क्लिक किया और कस्टम मार्जिन्स पे आ गया. कस्टम मार्जिन्स में आप देखें वही नॉर्मल मार्जिन है. सबसे पहले मैं इसको, चूँकि मैं बुक बनाना चाहता हूँ, अगर नॉर्मल डॉक्यूमेंट है तो फिर तो मसला नहीं है, लेकिन अगर आपने बाइंडिंग करनी है बाद में इसकी, इस डॉक्यूमेंट की, या ये आपकी पेजेस बहुत ज़्यादा हैं, इसको आप बाइंड करेंगे या बुक बनाएंगे या फाइल में इसे डालेंगे, फाइल बनाएंगे इसकी, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप यहाँ से मिरर मार्जिन्स पर क्लिक कर दें. ठीक है, मिरर मार्जिन्स में ये है कि दो पेज का सेटअप आ जाता है. उसमें यह है कि हम टॉप साइड से तकरीबन 0.75, पहले मैं कीबोर्ड इंग्लिश में कर देता हूँ, अब 0.75, बॉटम से भी 0.75 यानी 0.25, और इन साइड से मैं स्पेस ज़्यादा छोड़ूंगा 1.25 इंच या यानी 1.25 इंच या फिर 1.5 इंच, मैं 1.25 इंच रखता हूँ. ठीक है, या 1.30 रख देते हैं, 1.3 इंच, 30 चले 2.5 रख देते हैं. ठीक है, और इसी तरह आउटसाइड पे हम रखेंगे 0.5 इंच. ठीक है, 0.5 इंच. तो इस तरह हमारा सेटअप सही बनेगा. पेपर पे जाते हैं, पेपर पे हम लेटर के बजाय हम इसको A4 कर देते हैं मिसाल के तौर पे, या जो साइज़ आप रखना चाहें रख सकते हैं. और इसी तरह हम लेआउट पे जाते हैं. लेआउट पे जाके हमने एक चीज़ चेक करनी है, सेक्शन डायरेक्शन, वो हमने राइट टू लेफ़्ट करना है, क्योंकि हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे. ये उर्दू का डॉक्यूमेंट है. हीडर और फुटर को अपनी जगह रहने देते हैं और ओके प्रेस कर देते हैं. तो अब देखें यहाँ थोड़ी सी चेंजिंग हो गई है. चेंजिंग ये है कि ये पेज में देखें, इस पेज पे हमें चाहिए था कि ये पेज हमें लेफ़्ट साइड के बजाय राइट साइड पे स्पेस ज़्यादा दे, क्योंकि हमारा पेज नंबर 1 है उर्दू के लिए, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया. तो हम दोबारा ज़रा इस सेटअप में जाके चेक करते हैं कि क्यों ऐसा क्यों हुआ. तो यहाँ आते हैं, अच्छा ठीक है, इसने बिल्कुल सही किया है. हमसे गलती ये हुई है कि ये जगह आउटसाइड यहाँ लिख दिया है. ठीक है, जब हमने यहाँ पर डायरेक्शन चेंज कर दिया तो यहाँ पर दो, ये जो दो वर्ड हैं ये दोनों चेंज हो गए. तो इसीलिए हम इन साइड से स्पेस ज़्यादा कर देंगे 1.25 इंच, और आउट साइड से 0.5 इंच कर देंगे. अब ठीक रहेगा, ओके प्रेस कर देते हैं. अब देखें, अब सही हो गया. अब अगर हम प्रिंट करेंगे तो ये हमारा जो पहला पेज है इसके राइट साइड पे, चूँकि उर्दू का पेज हमने लिखा हुआ है, तो राइट साइड पे टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा खाली स्पेस, खाली जगह ज़्यादा होगी. मैं कंट्रोल F2 प्रेस कर रहा हूँ. तो ये देखें, ये हमारा पूरे पेज का सेटअप है. राइट साइड से बाइंडिंग के लिए मैंने जगह ज़्यादा छोड़ी है, टॉप साइड से कुछ स्पेस छोड़ा है, या टॉप साइड से भी अगर 0.5 इंच छोड़ें तो सही रहेगा. और राइट लेफ़्ट साइड से क्या है, हमने बिल्कुल 0.5 इंच, 0.5 इंच तकरीबन होता है 10 mm से कुछ कम होता है. नॉर्मली होता यह है, स्टैंडर्ड जो मेथड है वो ये है कि आप mm के हिसाब से स्पेस छोड़ें. राइट साइड से जहाँ पे आपने बाइंडिंग करनी है उसके लिए आप 20 से लेकर 25 mm स्पेस छोड़ दें, और आउट साइड जो होता है जिस साइड पे बाइंडिंग नहीं आती उसमें आप सिर्फ 10 mm स्पेस छोड़ दें, टॉप और बॉटम से भी सिर्फ 10 mm स्पेस छोड़ दें, वो सही रहता है. लेकिन ज़रूरी नहीं है, अगर आप स्टैंडर्ड नहीं रखना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी की सेटअप बनाना चाहते हैं तो इस तरह बनती है. इसी तरह आप इसके अलावा भी बहुत सारी सेटअप जो है यहाँ पर से कर सकते हैं, बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी की. लेकिन बहरहाल इसमें इतना कुछ ज़्यादा नहीं था, मैंने ये चीज़ें आपको बता दी, ये जहन में रखिएगा. और इस लेसन के लिए बस इतना ही काफ़ी है. नेक्स्ट लेसन के साथ फिर हाज़िर होंगे. इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़.